सत श्री अकाल, मैं हाँ सिमरनजीत कौर ते तुसी देख रहे हो खास प्रोग्राम मेरा पिंड मेरा शहर। प्रोग्राम की शुरुआत दे विच सब तो पहला गल होवेगी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नूं अमरीका के कैलीफोर्निया दे विच डिटेन कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों इस गल का दावा किया गया, पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के वल्लों इस गल की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सिर्फ इन्नी चर्चा है कि FBI दे वल्लों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नूं ट्रैक किया जा रहा है। तो उधर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के मामले के किंग पिन नूं वी NIA दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। AGTF ते मोहाली पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। विपिस्तौल ते इनोवा कार सने लॉरेंस गैंग दे मैंबर नूं काबू कीता गया। DGP पंजाब ने ट्वीट कर जानकारी दित्ती ते लिखिया कि पुरानी अंबाला रोड टकोली तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे एक मैंबर नूं गिरफ्तार कीता गया, जिसके कोलों विपिस्तौल ते इनोवा कार बरामद हुई है। मुलजम की पछाण भिवानी के बंटी वजो हुई है, जो गोल्डी बराड़ के इशारे से अंतरराजी हथियारों की तस्करी का काम करता सी। सिद्धू मूसेवाला के कतल केस च मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नूं अमरीका च डिटेन कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के वल्लों इस खबर की पुष्टि की गई है। नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जल्द गोल्डी बराड़ नूं पंजाब लिया जाएगा। अमरीका भारत की संधि मुताबक गोल्डी बराड़ नूं इंडिया लिया जाएगा ते सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि खबर यह भी है कि गोल्डी बराड़ FBI की रडार से है। गोल्डी बराड़ नूं FBI ने ट्रैक किया है ते उसकी मोनीटरिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गोल्डी बराड़ कैनेडा तो भज के कैलीफोर्निया आ गया सी। FBI ने भारतीय एजेंसियों तो गोल्डी के क्राइम ट्रैक नाल जुड़िया रिकॉर्ड ते डोजियर मंगया है ते भारत सरकार हुण FBI नूं सारे दस्तावेज भेज के गोल्डी नूं डिपोर्ट करन दे लई अपील करेगी। गोल्डी बराड़ कई सालों तो कैनेडा च बैठ के कई गंभीर वारदातों नूं अंजाम दे रहा है। कैनेडा तो ही भारत च कतल ते स्मगलिंग का काम करवाउंदा आ रहा है, इस लई उसनूं लखां रुपए मिलते हैं। सिद्धू मूसेवाला का कतल भी उसने विदेश च बैठ के ही अपने गुरगियां राही कार्रवाई नूं अंजाम दवाया सी। मूसेवाला दे कतल बाद ही गोल्डी बराड़ कैनेडा तो अमरीका आया सी। मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ने भी बीते दिन गोल्डी बराड़ नूं ना फड़े जाण ते नाराजगी जाहिर की सी ते उन्हां कहा सी कि पंजाब पुलिस जां भारतीय एजेंसियां गोल्डी बराड़ ते 2 करोड़ दा नाम रखण। कुछ दिन पहला पंजाब के फरीदकोट च भी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह दा पुलिस सिक्योरिटी च कतल कर दिता गया सी। इस दी जिम्मेदारी भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही लई सी। गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि पंजाब च श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले च इंसाफ नहीं मिलिया, जिसके कारण डेरा प्रेमी का कतल करवाया गया। इस अलावा होर कई वारदातों के विच भी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आउंदा रहा। रीसेंटली अभी हमने गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था, अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ। कैलिफोर्निया पुलिस का भी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से और पंजाब पुलिस को कि जी हमने डिटेन कर लिया, तो आप बताइए क्या इसका इसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो संधि है उसी के मुताबिक हम उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नूं अमरीका च डिटेन किए जाने बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का कहना है कि खबर सच है तो उन्होंने मन में थोड़ी तसली जरूर मिली है। इस अलावा उन्होंने कहा कि मूसेवाला कतल केस जो मुलजम गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने चंगी तरह पूछगिछ नहीं की गई है। उन्होंने सरकार को अपील की कि मुलजमान का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो ही सारा सच सामने आएगा। हाँ, प्रेस के माध्यम तो जरूर पता लग रहा है, तो थोड़ी मन में संतुष्टि मिलती है जे परमात्मा करे खबर सच्ची होगी। प्रितपाल ने करी है और प्रितपाल दियाँ सामने सारिया गल आ गई तो वो किमें भरोसा करिए भी उन्हें प्रोपरली पूछगिछ की होनी है। तो मैं तो प्रशासन तो यही उम्मीद करदा अपील करदा उन्होंने भी इन्हों को उन्होंने दोबारा फिर तो लिया जाए, इन्हों का नार्को टेस्ट घट्टो घट किया जाए, फिर कोई सच्ची गल आपदे आप शीशा साफ हो जाएगा। नहीं, ये बड़े तेज पेशेवर अपराधी ने, इन्हों गल घुमा इन्हों पुलिस दियाँ ज कुछ भ्रिष्ट अफसर जोड़े बच्चे होंगे ने उन्होंने कमजोरिया का पता होंगे, पैसा पूसा दे के सैटलमेंट कर जाते हैं, गल सिरे नहीं लगन दें। अमरीका के कैलीफोर्निया च गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के डिटेन होने तो बाद क्रैडिट नूं लै सियासत शुरू हो गई है। सीएम मान का क्रैडिट लेना महंगा पै रहा है। विरोधी मान सरकार के धक्के नाल क्रैडिट लैण का इल्जाम ला रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर महेश इंद्र सिंह गरेवाल ने कहा कि गोल्डी बराड़ के डिटेन होने च पंजाब पुलिस का कोई रोल नहीं, मुख्यमंत्री नूं सियासी लाहा लैण दे लई झूठ नहीं बोलना चाहिए। सियासी लाहा जे कोई
सत्कारित पत्रकार कोई जानकारी मंगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुख्यमंत्री जी ने वो जानकारी देती ये सियासी लाहे वाली तो कोई गल नहीं होगी तो उन्होंने अजिहे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई पत्रकार के सवाल भी सियासी लाह लगते हैं तो मैं लगता हमेशा गरेवाल साहब न जोड़ा है वो आप ही पड़चोल करने की लड़ है अपने ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ना जो मुख्यमंत्री जी उसको गुजरात में अनाउंस करके क्रेडिट लेना चाहते हैं उनको तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि उनसे तो भाग गया था इनका एक मुलजम और उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया राजस्थान ने पंजाब पुलिस तो उसको कह रही थी वो अफ्रीका में चला गया तो ऐसे बात जो सच ना हो जो असलियत ना हो वो बात नहीं कहनी चाहिए। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के मुख मुलजम दहशतगर्द हरप्रीत सिंह नू एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो मलेशिया तो आ रहे हरप्रीत नू एनआईए ने शुक्रवार सवेरे गिरफ्तार किया। हरप्रीत सिंह लखबीर सिंह रोडे के लिए काम करता है। लखबीर रोडे जो पाकिस्तान च है इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन का मुखी है। हरप्रीत लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले का मुखी है जो पुलिस नू लड़िंदा सी। हरप्रीत सिंह नू इस मामले तो बाद वॉन्टेड अतवादी ऐलान दिता गया सी। दिसंबर 2021 च लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट होया सी। इस ब्लास्ट एक व्यक्ति की मौत हो गई सी जबकि 6 लोग जख्मी हुए सन। हरप्रीत पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। पंजाब पुलिस के वल्लों 23 दिसंबर को इस मामले दे विच केस दर्ज किया गया सी ते एनआईए ने जनवरी 2022 च केस दर्ज किया। जांच दौरान पता लग्या सी कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया जो कि लखबीर सिंह रोडे का साथी है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का किंगपिन है। लखबीर सिंह रोडे के कहने पर हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान तो आईईडी भारत च डिलीवर कराने च अहम रोल अदा किया। इस आईईडी का इस्तेमाल लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले च किया गया सी। एनआईए ने हरप्रीत सिंह ते 10 लाख दा इनाम भी रखिया सी। राज्यपाल पंजाब बनवारी लाल पुरोहित ने सूबे की कानून व्यवस्था नूं लै पंजाब पुलिस से सवाल खड़े किए तो कुलदीप धालीवाल ने भी जवाब दिता है। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि सानूं पंजाब पुलिस से माण है। सानूं अकाली कांग्रेसियों तो फुलां दे नहीं कंडियां दे ताज मिले ने। सूबे की कानून व्यवस्था थोड़ी खराब है मैं मंदा पर इस नूं सही करन ते थोड़ा समा जरूर लगेगा। राज्यपाल की कहिंदा की नहीं कहिंदा पर मैनू मेरी पुलिस के उत्ते पंजाब की पुलिस के उत्ते पूरा माण है। पंजाब की पुलिस नूं जल्दी सब नूं ठीक कर दूगी। बड़े बहुत कुछ बिगड़िया तिगड़िया सानू मिलिया सर सानू कंडियां दे ताज मिले सानू फुल्लां दे ताज नहीं देगे अकाली कांग्रेसी सोनू कंट्रोल करदे टाइम लगेगा और टाइम ला के उन्हूं कंट्रोल करांगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं दलजीत चीमा ने सलाह दी है। राज्यपाल दे कोल सरहद पारों खतरे की रिपोर्ट है तो उन्हां नूं गृह मंत्री नूं भेजनी चाहीदी है। दलजीत चीमा ने कहा कि इस लई तां राज्यपाल नूं किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं जे सचमुच रिपोर्टां ने तां उन्हां नूं गृह मंत्री नूं सूचित करना चाहीदा है। गवर्नर साहब नूं भी बेनती करदा कि जदों तुसीं पब्लिकली इह गल कहिंदे हो इहनूं रिकॉर्ड ते जा होम मिनिस्ट्री नूं रिपोर्ट भेजो। दैट मीनस कि कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़ी मशीनरी है ब्रेक डाउन करके जे आप गवर्नर साहब फील्ड का टूर करके तो ये चीज़ कंक्लूड करते हैं तो हूँ तो उन्होंने होर कितों रिपोर्ट लैन की भी लोड़ नहीं ये उन्हों की अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट है तो फिर इनू ब्लैक एंड वाइट के जी है उन्होंने लानी चाहिए राष्ट्रपति के ध्यान केंद्र गृहमंत्री के ध्यान प्राइम मिनिस्टर के ध्यान लानी चाहिए। अकाली लीडर शरणजीत ढिल्लों विजिलेंस ने तलब किया कि यह पूरा मामला दसते हैं ब्रेक तो बाद। अकाली सरकार वेले हुए कथित सिंचाई घोटाले मामले दे विच अकाली लीडर शरणजीत ढिल्लों नू विजिलेंस ने तलब किया सी। कई घंटियां तक पुछगिछ भी हुई है ते उधर अकाली लीडर जगमीत बराड़ नू अकाली दल दी अनुशासनी कमेटी ने तलब कर लिया। पार्टी विरोधी गतिविधियां नू लै के जगमीत बराड़ नू तलब किया गया। विजिलेंस वालों साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों तो पुछगिछ की गई है। कथित सिंचाई घोटाले च अकाली लीडर शरणजीत ढिल्लों तो 6 घंटे तो वध सवाल जवाब किए गए हैं। इस मौके शरणजीत ढिल्लों ने पूरा केस नूं झूठा दस्या ते कहा कि मैनूं इंसाफ जरूर मिलेगा। इस तो पहला 29 नवंबर नूं साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों ते साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल नूं पुछगिछ दे लई सद्या गया सी पर सर्वेश कौशल ते शरणजीत ढिल्लों पेश नहीं हुए जिस तों बाद साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों नूं शुक्रवार नूं मुड़ पेश होण दे लई समन जारी कीते गए। पंजाब दे 1000 करोड़ रुपए तो वध दे सिंचाई घोटाले का यह मामला है। 2007 तो 2012 ते 2012 तो 2017 दे विचकार अकाली सरकार च सिंचाई मंत्री रहे शरणजीत सिंह ढिल्लों ते जनमेजा सिंह सेखो ते मुख तौर ते घोटाले दे इल्जाम लग रहे ने।
जो मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछे उन्होंने मैं सारे सही जवाब दिते ने ते ए नहीं मैं दस सकता कि क्वेश्चन पूछे क्योंकि एवं कोर्ट च केस चलता लेकिन मैनू इस गल की पूरी तसली है सब दुनिया को पता है जो पिछली कांग्रेस की सरकार के मौके जो केस पिया सारा झूठा है बच्चे बच्चे पता लग चुका कि झूठा है और मैनू इंसाफ मिलेगा। अमरिंदर सिंह की जी स्टेटमेंट है बिल्कुल ही बोगस है वो इतों तक हूँ तो आम तौर पर यह सारी चर्चा चल पी वो साइन भी है नहीं गए वो जे फॉरेंस डिपार्टमेंट तो टेस्ट कराए गए साइन भी गलत ने सब झूठी पाई गई है। अकाली लीडर जगमीत बराड नू श्रोमणी अकाली दल अनुशासनिक कमेटी ने तलब किया है। जगमीत बराड से पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के इल्जाम ने जिसले अनुशासनिक कमेटी ने पेश होने लिए कहा। जिक्र योग है कि बीते दिन जगमीत बराड ने अकाली दल की लीडरशिप से सवाल चुके सन। बीबी जगीर कौर के हक च नित्रद्या कहा कि जिस तरीके दे नाल बीबी जगीर कौर नू पार्टी तो बाहर कढ़िया गया वो गलत सी। नाल ही पार्टी प्रधान की सहमति तो बिना ही यूनिटी कोआर्डीनेशन कमेटी भी जगमीत बराड ने लानी है जिस बीबी जगीर कौर ते रविकरण कालो दे कमेटी मैंबर होने का दावा किया। हालांकि रविकरण कालो ने इस कमेटी तो अपने आप नूं वख कर लिया ते नाल जगमीत बराड नूं भी पार्टी दे नाल खड़े होने की नसीहत दी है। तालमेल कमेटी सरदार जगमीत सिंह बराड ने इसका गठन किया मैं उस तो अपने आप नूं बिल्कुल वख करदा हूँ। मैं सरदार जगमीत सिंह जी बराड नूं भी यह बेनती करना चाहूँगा कि यह समा नहीं गा कि आप श्रोमणी अकाली दल नूं पिट्ठ विखाइए जिस पार्टी ने इन्ना माण दिता होवे उहदे नाल खड़ना चाहीदा। यूथ अकाली दल के प्रधान पंटी रोमाना ने जगमीत बराड़ को निशाने पर लिया। जगमीत बराड़ के वालों बनाई यूनिटी कमेटी से सवाल खड़े करदे उन्होंने कहा कि खुद यूनिटी दीआं गल्लां करदे ने ते खुद की पार्टी को दो फाड़ कर रहे ने। 45 वरिया के राजनीतिक जीवन दौरान जिस पार्टी के विच गए उस पार्टी च कलेस पाया जिस पार्टी के विच गए उस पार्टी की डिसिपलिन भंग किया जिस पार्टी के विच गए उस पार्टी दे विच दुफाड़ कीती पार्टी ते अज ओ बंदा यूनिटी दी ते यूनिटी कमेटी दी गल कर रहा। मैं तां हैरान है यार अज दे समें ते किवें कम चल। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां दे तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 38 मैंबरां दा ऐलान कर दिता है। 3 होर मैंबर जल्द ऐलान किए जाएंगे यह जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। तो उधर SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह तामी ने 38 मैंबरी एडहॉक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मुढ़ों रद्द करदिया कहा है कि सिखा के मामले च सरकारी चालां कदे भी प्रवान नहीं कीतियां जाणगियां। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उपदेशों के तहत आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 38 सदस्यों की घोषणा कर दी है जिसमें से अम्बाला छावनी में से BS बिंद्रा जी और सुदर्शन सहगल जी को भी मेंबर बनाया गया है। 3 मेंबरों की घोषणा अभी और की जाएगी। रुकदे एक छोटे जे ब्रेक दे लई ते ब्रेक तो बाद गल होवेगी मेरा पिंड ते मेरे शहर दियां कुछ होर खबरां दी। अमृतसर पुलिस की हिरासत दे विच्चों 2 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। एक कैदी तो फरार हो गया जबकि दूजे नूं पुलिस ने काबू कर लिया। दोवां ते 307 का मुकदमा दर्ज सी। उधर डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार के कतलकांड मामले दे विच शूटर राज हुड्डा नूं फरीदकोट पुलिस प्रोडक्शन वारंट ते लैके आई है ते 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। अमृतसर च कोर्ट पेशी के दौरान 2 मुलजम पुलिस हिरासत चो फरार हो गए। हालांकि एक मुलजम नूं पुलिस ने कोर्ट के गेट बारों काबू कर लिया जबकि एक मुलजम पुलिस नूं चकमा दे के फरार होने च कामयाब रहा। जून महीने च दोवें मुलजम 307 के मुकदमे च फड़े गए सन। गोइंदवाल पुलिस के वलों दोवां नूं फड़िया गया सी ते हुण भी गोइंदवाल थाने तो ही दोवां नूं अमृतसर कोर्ट च पेश किया गया सी ते पेशी तो बाद दोवां ने भज्जन की कोशिश की जिस च एक मुलजम कामयाब रहा जबकि दूजे नूं पुलिस ने काबू कर लिया।
कोटकपूरा डेरा प्रेमी कतलकांड मामले च जयपुर तो गिरफ्तार हरियाणा के शूटर राज हुड्डा नूं फरीदकोट पुलिस प्रोडक्शन वारंट ते लैके आई है। फरीदकोट कोर्ट च शूटर राज हुड्डा नूं पेश करके पुलिस ने 5 दिन का रिमांड हासिल किया है। जिक्रयोग है कि 10 नवंबर नूं डेरा प्रेमी का कतल होया सी ते हुण तक कतल के सारे शूटर गिरफ्तार हो चुके ने। बेसिकली एक मेन शूटर सीगा जी राज हुड्डा जो उत्थे जयपुर गिरफ्तार होया सीगा उत्थों आपां प्रोडक्शन वारंट ते लिआए ते आपां नूं 5 दिन का पुलिस रिमांड मिलिया। सरहद ते ड्रोन वाली साजिश रोकण दा नाम नहीं लै रही। तरन तारण दे खेमकन सैक्टर च पाकिस्तानी ड्रोन सने हैरोइन दे 5 पैकेट बरामद किए गए ने। सवेर वेले बॉर्डर ते ड्रोन दिखण दी खबर मिली सी जिस दे बाद तरन तारण पुलिस ते BSF ने सर्च की थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर दे नाल लगदे पिंड कलश च दे रात पाकिस्तान दे वल तो ड्रोन आया सी तां BSF ने कई राउंड फायरिंग की ते रोशनी वाले गोले भी दागे। खुद DGP पंजाब ने भी ट्वीट करके जानकारी दित्ती है कि तरन तारण पुलिस दे BSF नाल सांझे ऑपरेशन दौरान भारत पाकिस्तान सरहद दे नेड़े खेतां तों आधुनिक तकनीक नाल लैस हैक्साकॉप्टर ड्रोन ते 5 किलोग्राम हैरोइन वाले पैकेट बरामद किए गए ने। हैरोइन की कीमत 25 करोड़ रुपए दसी जा रही है जिसनूं जब्त करके जांच दे लई भेजा गया। BSF ने फाजिलका च भी ड्रोन की हरकत नूं नाकाम कीता। फाजिलका दी भारत पाकिस्तान सरहद ते ड्रोन भारत दी हद च दाखिल होया। हालांकि मौके ते मौजूद BSF दे जवानां ने फायरिंग कीती जिस तों बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान वाले पासे चला गया। पुलिस भी मौके ते मौजूद रही ते सारे इलाके च पुलिस ते BSF दे वल्लों सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात ड्रोन दी मूवमेंट सीगी जिस नूं के जदों BSF वल्लों पैक कीता गया तो वापस परत गया। सर्च साडी फिर पूरी सर्च हुंदी है जी, सारे एरिए दी सर्च हुंदी है। घट्टो घट्टो उत्थों 2-3 किलोमीटर दे रेडियस दी सी साडे वल्लों पूरी फोर्स जाके CIA साडे SPD DSPD लोकल DSP सब डिवीजन SHO ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। BSF ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ BSF ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਚੁਕੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ 3 ਡਰੋਨ ਡੇਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਦ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ BSF ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ 3 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PAP ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DC ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਬਕਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦਈਏ ਆਪਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਟੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਆ CM ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨੇ
ना पहला कैप्टन सरकार ने करने खुद कुछ साढ़े साढ़े सात तो वो किसान शहीद हो गए। दूजा जेडे काम यहोजे काम होए बिना ये वादा खिलाफी कारण भी दुबारे ज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उन्होंने भी चाहिए भी जोड़े लोग गलत ढंग लोगों को बूटा लेंगे ने वादे करते हैं फिर वो पूरे नहीं करते उन्होंने भी कोई कार बनती कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये जो सब तो वह नुकसान है वो तो किसानों का हो। दसूहा के पिंड मीरपुर विखे बी डी पी ओ दसूहा के वलों छप्पड़ ते गलियां नालियां की जांच की गई है क्योंकि पिंड के सरपंच से लखां दे गबन के इल्जाम लगे ने। पिंड वासियां ने पिंड के सरपंच से इल्जाम लाए ते कहा कि पिंड च विकास कार्यां ते छप्पड़ की उसारी के नाम से लखां रुपए का घोटाला किया गया। छप्पड़ की नींह जमीन के उपर ही रख दी गई है ते जो पिलर छप्पड़ के विच कढ़े गए ने उन्हां च वी सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। पिंड मीरपुर के लोगों ने पंजाब सरकार तो गुहार लाई है कि पूरे मामले की बरीकी जांच की जाए ते सरपंच लखबीर सिंह ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। उधर बी डी पी ओ का कहना है कि सरपंच जांच सहयोग भी नहीं कर रहा तो जेकर सरपंच दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। यही आप सारा उन्होंने मांग करते हैं भी इदा के लोगों तो जी शिकायत जान बुझ के लिख देंगे भी सूँ इदा किया गया फलाना साढ़े ना घपलेबाजी की गई बी डी पी ओ इदा की गल कोई नहीं हो ये तेरे सामने ही है सारे घपले उन्होंने खुद किए हैं सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी राह देने प्रिमली अपनी चैक करते पाया गया कि वह कोई भी एसटीमेट पास नहीं होया हो कोई भी वोदिया लैवल शीटा बेसिकली जो छप्पड़ की पटाई होंगी वह एसटीमेट तैयार होंगी वो लैवल शीटा तैयार होंगे कि किस लैवल तक पटना किन्ना निकलनी मिट्टी कितने जानी है कोई भी रिकॉर्ड इदा का सानू नहीं मिले ना ही मेरे टेक्निकल स्टाफ को पाया गया कि इन्होंने कोई भी उस तो पहला मेरे तो एसटीमेट तैयार कराया हो जिस तो गबन की शंका होर बढ़ जाती है क्योंकि जे एसटीमेट तो बिना यह काम कराया गया तो फिर नैचुरली ये काम सही ढंग ने नहीं हो पाया होगा। दसूहा के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने आस्ट्रेलिया च देश पंजाब ते अपने इलाके का नाम रोशन किया है। हरप्रीत सिंह आस्ट्रेलिया पुलिस च अफसर नियुक्त हुआ है। हरप्रीत के पिता परमजीत सिंह भी लंबा समा पंजाब पुलिस च रहे ने जिन्हों तो प्रेरणा लैके हरप्रीत ने अपना टीचा निर्धारित किया। हरप्रीत सिंह 2007 च कॉन्वेंट स्कूल तो पढ़ाई पूरी की जिसके बाद आयल्स करके मेलबॉर्न चला गया जिथे उसने अपनी मेहनत लगत के सदका पढ़ाई पूरी करने उपरंत आस्ट्रेलिया पुलिस ज्वाइन की है ते अज आस्ट्रेलिया पुलिस च बतौर डिटेक्टिव अफसर अपन सेवावां निभा रहा है। मैं खुद ही पुलिस में भर्ती नौकरी पुलिस की की है भी 21 साल तो इन सोचा भी चलो मैं भी पुलिस की नौकरी करा तो नाल मैं फिर अपना उधर अपना जॉब के नाल नाल मैं सैट हो जाऊँगा। देखो जी असं इन्ने खुश हाँ कि पुछो ही कुछ नहीं साढ़े दसूए का मेरे पिंड का मेरा सारे का ना अपना रोशन किया बहुत वधिया। मैं कहनी सारे बच्चे मेरे बच्चों वर्गे होन वो भी अपने माँ पिता का ना रोशन कर। मेरा पिंड मेरा शहर प्रोग्राम दे विच इन्ना ही देश दुनिया दी होर खबरां दे लई देखते रहो एबीपी सांझा।